मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए स्काई, देखिए कितना काले काले क्लाउड से पूरा भरा भरा लग रहा है। बारिश आएगी। मैं ऊपर छत पे आई हुई थी तो मुझे ज़्यादा अपने प्लांट्स की यही चिंता रहती है कि कहीं मोर आके उन्हें ख़राब नहीं कर गए हों, लेकिन जो सोचा था वही हुआ। देखिए इन्होंने पूरे ये मेरे 11 प्लांट को डैमेज कर दिया। ये देखिए पूरा कट कर दिया यहाँ से, और इसमें देखिए ये फ्रूटिंग भी आ रही थी, ये यहाँ ये चार पांच इसमें 11 आ रहे थे, और बहुत लंबा इन्होंने ब्रांच काटा है। ये देखिए बहुत पुराना और बड़ा सा ब्रांच इस बार इसने काट डाला है, और एक ये भी एक ये पूरा यहाँ से इसने कट कट डाला है यहाँ से। देखिए अभी इसमें फ्रूटिंग हो रही थी, और इसमें देखिए इसमें यहाँ फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका कुछ उपाय करूँ कि ये फ्लावर बेचारे बच जाए। और एक डाली इसने यहाँ से काटा है, यहाँ से इस एरिया से इसने कट कर दिया है। बिल्कुल इतना हेल्दी पौधा को उसने काट काट के ख़राब कर दिया। और फ्रूट के लिए मुझे ज़्यादा इसमें दुख हो रहा है कि अभी ये बड़ा होता और ये बड़ा होने से पहले ही इसने इसका काम तमाम कर दिया। इसमें 4 11 आ रहे थे, देख रहे हैं 4 11 थे, और ये हाइब्रिड 11 है, छोटे में ही बहुत फ्रूटिंग करता है ये, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है कि पूछिए मत। लेकिन ये जब भी फ्रूटिंग पर आता है तो ये पीकॉक आके कट कर जाते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं इसका कुछ इन पौधों का कुछ करूं। सो आज मेरा मॉर्निंग बैड मॉर्निंग में बदल गया, जिन्हें देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है, स्पेशली इस 11 फ्रूट को। सो मैं इधर नेट भी लगा नहीं सकती क्योंकि ये वाटर टैंक एरिया है और बहुत सारे लोगों का वाटर टैंक है, तो उसको मैं बाउंड्री वगैरह या उसको नेट लगा के उसको घेर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि आने जाने में प्रॉब्लम होगा। सो मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। दुख देख तो बहुत ही मुझे दुख हो रहा है इन फ्रूट्स को। एनीवे थैंक यू।